Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Week in Review. Assalamu alaikum, Amna. Wa alaikum assalam, Hassan. Six dramas or more? Seven? Eight. Oh God. Eight dramas, I tell you how. Because Amna ne Muqaddar ke baare mein choti si baat karni hai. Bahut choti baat karni hai, ji. Maine Bikhre Moti ke baare mein choti si baat karni hai. Then we've got Kashf. We've got Razi Ulfat. We've got, main order mein ja raha hu. Jis order mein hum baat karenge. Muqaddar, Bikhre Moti, Kashf, Razi Ulfat. Then we'll talk about ये Wednesday वाले आपकी मोहब्बत तुझे अलविदा जलन इश्किया and then प्यार किस अच्छा ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा मुझे तो नहीं मुझे याद है आप मुकद्दर आप शुरू हो जाएं लेकिन जी यार कल हमने इंस्टाग्राम पे कोई शुगर लगाया है वाफिर मैंने और आमना ने हम लाइव गए हमने बड़ी गप्पें लगाई कुछ लोग बहुत अरसे से हमसे पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो हमारी गप लगी कल बड़े मजे की अनफॉर्चुनेटली मैं वो सेव नहीं कर सका अपनी जो लाइव वो हमारी वीडियो थी जो कि बहुत लोगों ने अफसोस किया तो आई एम सॉरी वो कल अब्रप्टली एंड होगी बिकॉज मेरा नेटवर्क कनेक्शन का थोड़ा मसला था लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें शाहरुख चला दें हमारे हैंडल्स ताकि इस तरह का जो हम शुगर लगाते हैं वो आपसे अगली बार मिस ना हो एनीवे मैं इसको शुगल नहीं कहूंगी मेरे ख्याल से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जी जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड सेलिब्रिटीज स्पेशली द न्यूअर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इट वाज एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड आई थिंक दैट इफ वन डे वी माइट जस्ट डू अ हॉट बाइट्स ऑन इट अब के हमने सारे नाम रिवील रातों कर दिए एंड यू नो उसमें से एक नाम बहरहाल ऐसा था उस्मान मुख्तार का आपको मैंने कहा था कि रात को मुझे पता चला कि मेरे पास उनका गलत नंबर है जी तो उनका मैंने नाम लिया तो उनका नाम मैं रिट्रैक्ट करती हूँ अपनी लिस्ट में से हिट लिस्ट में से मगर मैं उनको इस एपिसोड के बाद मैसेज जरूर दूंगी अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी और बाकी हम आपको नाम नहीं बताएंगे उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मैं और आमना दोबारा बहुत जल्द एक लाइव सेशन करेंगे आप सब लोगों के लिए Anyway, जी मुकद्दर के बारे में आप क्या जी हसन मुकद्दर जो है बीच में ऑन एंड ऑफ में देखती रही एंड इट्स अ पावरफुल ड्रामा इसमें यह है कि बड़ी अच्छा प्रेमिस है उसका और बड़ा सॉलिड किस्म की स्टोरी है ऑफ कोर्स हम शुरू में फॉलो कर रहे थे वन थिंग आई हैव टू से इज दैट आई रियली हैव टू एक्नॉलेज मदिया इमाम्स परफॉर्मेंस वेरी मच्योर वेरी स्टेबल इस एपिसोड में जब वो फॉर एग्जाम्पल अपना झुमका उतारती हैं और मतलब सैफ और रहमान एक ऐसा बंदा बताया है जिसने उनको अगवा किया फिर ज़बरदस्ती निकाह किया अब वो चाहते हैं कि ये भूल जाए सब कुछ अपना पास्ट जिससे इसको प्यार था अपने कज़न हारिस के साथ उसको भूल जाए उसके ख्वाब भी ना देखे सोचे भी ना उसके बारे में और सिर्फ मेरे बारे में सोचे अब ऐसा नहीं हो सकता हमें कहा गया था कि ये लव स्टोरी है अभी तक तो मुझे बिल्कुल रायमा और सरदार सैफ और रहमान के बीच में कोई जेन्युइन लव नजर नहीं आ रहा व्हिच आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट बिकॉज मैंने भी जब सरदार सैफ और रहमान का कैरेक्टर कल देखा इस एपिसोड में तो ऑल्दो फैसल कुरैशी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड मे बी ऑल्दो नहीं दैट्स वाई आई फेल्ट नो लीनियंसी टुवर्ड्स हिज कैरेक्टर मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि हाय यार ये चलो है तो अच्छा या इसको प्यार हो जाए नहीं ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं था मुझे बल्कि उसको देख देख के गुस्सा ही आता गया कि यार इस इतनी जवान खूबसूरत प्रोग्रेसिव पढ़ी लिखी लड़की के ख्वाब तुमने शैटर कर दिए उसके जितने ड्रीम्स से प्रोफेशनल पर्सनल एक बंदे से प्यार था उसको तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है एंड यू एक्सपेक्टेड टू फॉरगेट एंड बी हैप्पी एंड दैट डजंट हैपन So I think it's going very well and I'll keep watching it depending on the feedback I will review it or not theek ho gaya ji bikhre moti ka bahut sare hamare viewers ne kaha ki aap nahi kare sachi baat hi hai kal maine jo episode is hafte ki dekhi mera dil itna mazboot nahi hai ki main bachchon ke upar is tarah ke zulm hote hue dekhun unke jo ek bachcha hai unko jo yasir nawaz aur unka noshin ka characters the unka ek bachche ko ताया ले गए हैं गोल्डन मालों वाले उनका नाम भी है कोई फैजान गोल्डन या समथिंग अच्छा और उसको वो अपने उनकी कोई इंटरनेट कैफे टाइप कोई वीडियो कोई शॉप है तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने मैं जिसको 18,000 रुपए देता हूँ उसको मैं निकाल रहा हूँ ये मेरी जो है दुकान रन करेगा मतलब और उनकी जो बीवी है उनका बहुत ही गंदा सलूक है उस बच्चे के साथ उनका अपना एक बेटा है उसको दूध पिला रही होती है इसको कहती है दफा हो जाओ तुम अपनी आंखें नीचे करो मनहूस आ गया है मेरा बेटा अब दूध कैसे पिएगा फिर वो बच्चा गन के साथ खेल रहा होता है तो वो गलती से उससे टूट जाती है तो फिर उसकी बेइज्जती कि ये आ गया और इस तरह का थप्पड़ भी मेरे ख्याल में उसको एक आध जगह पड़ गया थप्पड़ पड़ा उस छोटे बच्चे को यार बच्चे को तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर जो उनकी बेटी है छोटी सी आपको याद होगा पहले एपिसोड से यासिर नवाज की जो जी, बेटी जी, जी, जी। वो दादी कह रही है कि वो फलानी फलानी काम करने वाली आई थी तो वो कह रही थी कि इसको रानी को वो काम पे लगा देती है आधे दिन का काम होगा तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे तो वो बाप कहता है हाँ हाँ ठीक है मुझे नहीं पता जो आपकी मर्जी
तो उस वो छोटी बच्ची से घर के काम करवा के उसको मुलाजमा लगवा रहे हैं कहीं पे, तो अल्लाह माफ करे। ये बड़ा जो जो बात है, जो वाकई इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि ऑफ कोर्स एक बड़ा पर्टिनेंट इशू है और उसको रेज किया जा रहा है। सो कुडोज टू समीना भाभी एंड सना शाहनवाज द प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट। बट वही बात है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो ऐसे ड्रामे को देख सके। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन मामलों को लेके, अक्सर ट्विटर के ऊपर या इधर उधर आप कुछ तरह की यू नो वीडियोस नज़र आती हैं जिसमें बच्चों के साथ कोई बाप माँ ही मार रहे होते हैं, तो मेरे से वो भी नहीं देखी जाती। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं देख सकूंगा ड्रामा, हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। बट मेरे नहीं, मेरा भी दिल गुर्दा नहीं है बच्चों पे जुल्म होता है, बच्चों पे मैं नहीं देख सकता। एंड आई नो नोइंग समीना भाभी एंड सना कि ये आगे रिडेम्पशन होगी और ऑब्वियसली स्टोरी ऐसी नहीं रहेगी। तो अभी तक जो नीलम मुनीर का कैरेक्टर है उन्होंने बच्चों को बचाया नहीं है या नहीं, कुछ अभी? बच्चे अभी भी उधर ही हैं जुल्फी के पास। अच्छा। नीलम उनका ख्याल बहुत रख रही है, बट नीलम और जो उनका जो वो जो वहाज वाला ट्रैक है, तो वहाज फादर डजंट वांट वहाज टू गेट मैरिड टू नीलम। अच्छा। वहाज इज कैरेक्टर आहद, तो आहद के पेरेंट्स नहीं चाहते, फादर नहीं चाहते कि उसकी आयजा से शादी हो। तो अब ये इनका दरार पड़ी है। दूसरी तरफ जो है आहद के जो वालिद हैं वो आयजा के बाप को ये सजेशन देंगे कि आप जुल्फी से क्यों नहीं शादी करा देते, और जुल्फी के ब्रदर ऑलरेडी उसके कान में डाल के चले गए ये बात। अच्छा। कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड डेवलपिंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर आयजा। अच्छा। सो अब लग ऐसे रहा है कि आयजा की शादी आहद से होने के बजाय जुल्फी के साथ हो जाएगी, और फिर आगे शायद रिडेम्पशन का कोई प्रोसेस शुरू हो, बट मैं आई एम सॉरी नहीं देख सकूंगा। ठीक है कश्यप जी, आप चाहते हैं मैं कमेंट करूं? आप शुरू। मुझे लगा हसन थोड़ी सी ये स्लो एपिसोड थी। ऑफ कोर्स जो हम परफॉर्मेंसेस की तारीफ करते रहे हैं वो ऑल आर स्टैंडिंग, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, मगर जहाँ तक प्लॉट डेवलपमेंट की बात है कुछ खास हुआ नहीं इस एपिसोड में। इट वॉज अ री एनफोर्समेंट ऑफ वॉट वॉज हैपनिंग, वॉट हैज बीन हैपनिंग इन द लास्ट टू एपिसोड्स। मुझे ऐसा लगा, आपको कुछ फर्क लगा? मुझे ऐसा लगा कि एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अब कश्फ को अपने जो मुरीद आ रहे हैं उसके उनके बारे में ख्वाब आना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। और आपने भी कहा था कि अगर 20 लोग आ रहे हैं तो 20 लोगों के ख्वाब तो नहीं देखेंगे, तो एटलीस्ट वो एक एक करके उनके मसले उसको समझ आने शुरू हो गए। सबसे मुझे जो सबसे अच्छी बात इस एपिसोड की लगी वो ये लगी कश्फ की जो दुआएं उसने मांगी है, और बार बार उसने, और ये क्रेडिट गोज टू द राइटर एंड द डायरेक्टर के उन्होंने ये दिखाया है कि एट द एंड ऑफ द डे देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, बिल्कुल, और कोई कुछ नहीं कर सकता। सो उन्होंने जो कश्फ ने जो दुआएं मांगी है उसके थ्रू ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दी है कि कश्फ भी अल्लाह मियाँ से माफी भी मांग रही है बार बार कि अल्लाह मियाँ मैं ये कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे देने वाला ब्लेस करने वाला तू ही है, तो मुझे माफ कर देना अगर मैं गलत। जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये 3 एपिसोड से ये दुआएं मांग रही हैं, तो मतलब है कि अब थोड़ा सा रिपेटिटिव हो गया, मुझे ऐसा लगा। मेरे लिए सबसे क्यूट मोमेंट्स इस पूरे एपिसोड में वजदान के ट्रैक थे, जिस तरीके से वजदान अपनी पूरी दुनिया अबैंडन करके नौकरी छोड़ के बुरका पहन के चाय बना रहा है ना, वो बहुत क्यूट था। और ऐसे मेल रोल मॉडल्स बहुत कम मिलते हैं जो इतने कमिटेड हों अपनी मंगेतरों के साथ और अपने लव्स के साथ कि वो हर चीज़ छोड़ दें और दे वुड फाइट टिल द वेरी एंड for to get their love. I thought that Vajdan's acting, Junaid Khan's acting and Vajdan's character was the strongest part of this episode, because that's a good role model to show people. Kabhi commitment ho to aise ho. Magar jahan tak Kashf ka track tha, bilkul unko khwab aaya, bilkul unhone karna shuru kiya, hame Imtiaz ki mazeed kameeniyan nazar aayin ki ek bichari aurat jiske paas paise nahi hai uski churiyan utarwa li ki tum ye pehnawa ye de do, aur paise wo kamana shuru ho gaye hain. What I don't understand is that जितने भी इस तरह जो गद्दी पे ख़वातीन बैठती हैं या जो पीरनियाँ होती हैं उनकी शादियाँ तो होती हैं, why wouldn't they scheme to get married and continue what they're doing? Or maybe Imtiaz doesn't want to give up control. But मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर ये कोई स्कीम करें दोनों, बिकॉज देर बोथ इन लव, तो ये बाप को कहें कि हम शादी कर रहे हैं आप शादी करने दें, इट इज़ नेसेसरी एज वेल। कोई भी पीरनी जो है वो बगैर शादीशुदा नहीं होती है। मेरा पीरनियों से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, आपका शायद सर आपकी फर्स्ट लेडी पीरनी है। हाँ। आपकी फर्स्ट लेडी पे पीरनी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, जितना भी मेरा है उतना ही आपका भी है, तो आपकी फर्स्ट लेडी पीरनी है, पीरनियों की शादियाँ होती है, ऐसा नहीं भी होती है कुछ के, हाँ? कुछ केसेस में दो दो भी होती जी बिल्कुल। आप बड़े शरारती हैं, आप बड़े शरारती हैं जी बिल्कुल, दो दो भी होती हैं। तो अगर कश की शादी वजदान से हो भी जाए इस एग्रीमेंट के साथ के, वो ये कंटिन्यू करेंगे? नहीं, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है।
इम्तियाज पा को लगता है कि अगर उसकी शादी हो गई उसके साथ लड़के पावर चला जाएगा तो पैसे उधर जाना शुरू हो जाएंगे, वही ना पावर पैसे नहीं आएंगे उनको, शादी से मसला नहीं है एज लॉन्ग एज द मनी स्टेज विद हिम। हां तो ये उनको एक है वो तो फिर उनके लिए कमाएगी, मेरे लिए थोड़ी कमाएगी जी, उनको फिगर आउट करना है, ये उनको अब फिगर आउट करने के लिए जी। बट राइटली सेड जुनैद के सीन्स बहुत जबरदस्त थे एंड ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस ड्रामा। हीरा मानी ऑफ कोर्स जी, वसीम साहब की हम कितनी तारीफ करें, समीना अहमद साहिबा गोलगप्पे जब ले रही होती हैं और खट्टा पानी डालो ग्रेट फैंटास्टिक। हां और ये काम करने वाली कौन आई है, बड़ी लंबी चौड़ी, सो फैंटास्टिक एक्टिंग ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड लिटिल डिटेल्स यू नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स समीना फारूक्स परफॉर्मेंस अगेन। अब अगर मुझे ये भी होता है कि यार ऐसी बहन है यार, एक तो चलो उसके मंगेतर पर नजर रख रही है वो बर्दाश्त आप कर लें, she doesn't want her to be happy in any way, usko khwab agar nahi aaya aur baap besti kar raha hai tab wo khush ho rahi hai to ye matlab hai ki kaun se characters hain kaun log hain ye mujhe acha nahi lag raha hai। but mere liye kashf dekhna hafte mein ek bada mazedar process hota bilkul. hai because ye aisa drama hai ki jisme aapke usual wo rona dhona us tarah ki cheeze nahi chal rahi, so I really look forward to kashf's episodes, maza aaya। anyway raze ulfat haan ji major development एक तरह से ये हुई कि हमें क्लैरिटी मिल गई कि नोमी की वो वीडियो थी क्या, जो कि जो हमारी बहन है सैबा। नहीं क्या क्लैरिटी मिली आपको, सैबा खान की कॉन्वर्सेशन हुई ना नोमी के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जिन लड़कों को तुम दोस्त वोस्त कहते हो तो अब मुझे पता चला कि तुम्हारा असल में उनके साथ ताल्लुक क्या है। क्या समझ आया आपको, तो उससे शरारत कर रही हूं, चले आगे चले। उससे ये अंदाजा हुआ हमें कि नोमी जो है इज गे, बट हमें ये लगता है कि ही इज बाय बिकॉज ऑब्वियसली वो लाइनें भी कराते आ रहे हैं उसको जी, बिल्कुल मुश्क को भी जी, अब पता नहीं वो क्यों करा रहे हैं बट वो खैर हमें हो सकता है कभी पता चले। एंड अगेन ऑफ कोर्स वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द सेक्सुअलिटी ऑफ द इशू इफ दैट इवन मेक्स सेंस, बट वी आर कमेंटिंग ऑन द फैक्ट कि उन्होंने एक लड़की को धोखा दिया, अपना असली आप छुपाया और प्लस वो एक इतनी डबल लाइफ लीड कर रहे हैं और उनको बता नहीं रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ चीटिंग। और अभी भी वो कह रहा है सैबा को कि मैं तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। हाँ वो कहते हैं तुम छोड़, यू कांट डू दिस टू मी, एंड देन शी सेज वॉच मी। अच्छा दूसरी तरफ जो मेजर एक डेवलपमेंट ये हुई कि वो हमारी जो मुश्क आपी है वो घर में कुछ बताए बगैर इर्तजा भाई के साथ बीच पे चली गई अपनी बर्थडे मनाने। हाँ जी, तो आप अगले एपिसोड में बताए बगैर बताए नहीं, वो बहन से कहती हैं कि इजाजत ले कि मैं सैबा के यहाँ पढ़ने जा रही हूँ और वहाँ पे डे स्पेंड करने जा रही हूँ, और मुझे याद है 90s में बहुत हमारी दोस्तियाँ ऐसी थी जो कि पढ़ाई के उसमें डेटिंग करती थी, लेकिन ये चली जाती लेकिन है। शायद उनकी कोई सैबा जैसी दोस्त नहीं होती जी, सैबा जो है वो क्योंकि दरअसल तो कमी नहीं है, तो सैबा जो है वो एंड पे फोन कर देती है कि मुश्क तो यहाँ नहीं, किधर है, यहाँ तो नहीं है, और फिर उनको पता चल जाता है। और ये वालिद साहब का बहुत पावरफुल कमेंट होता है कि हम हर साल इस दिन सेलिब्रेट करते थे, हम इसका सोग मनाया करेंगे। आई कैन इमेजिन एज अ पेरेंट हिज डिसअपॉइंटमेंट कि अगर आपका इतना स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड हो, ये छोड़ दें कि सही है या गलत है, और आपकी बच्ची जो है वो इतनी बागी हो जाए कि खाली किसी को पसंद करना तो दूर की बात है, डेट करना क्लास में तो अलग की बात है, आप समुंदर पे साहिल समुंदर पे चले जाएँ और उधर ऑर्केस्ट्रा हो पूरा, और पूरा आप एक गैर मर्द के साथ आप एक पूरा डे स्पेंड करें, डेट मारें प्रॉपर सर। हाँ इट्स इट यू नो आई मीन द माइंड गोज टू समथिंग बियॉन्ड इनोसेंट डेट, इट्स लाइक यू स्पेंट अ डे विद द मैन, सो ऑब्वियसली व्हिच इज द इक्विवेलेंट ऑफ स्पेंडिंग अ नाइट विद द मैन। या ऑल्दो शी हैज देयर इज नथिंग लाइक दैट सजेस्टेड, बट टू द फादर इट इज जस्ट इक्वली बैड, एंड आई कंप्लीटली एम्पथाइज विद हिम कि इतना बड़ा धोखा आपकी औलाद आपको दे। That's why I have a very open relationship with my children. Yes, that's how it should be. जी बिल्कुल. If there's one thing you should learn from Raze Ulfat, it's that. जी. You have an open relationship with your children. जी. Anyway. और दूसरी बात है ये भी जरूरी है कहना कि जहाँ पे इतनी suppression होगी घर में और इतनी सख्ती होगी और कई लोगों का ख्याल है कि जी इतनी सख्ती हो तो बच्चा बागी हो ही नहीं सकता, वो सोच ही कैसे सकती है, नहीं जी ऐसे circumstances में ही बच्चे बागी होते हैं। जी. आप पानी को बहुत छोटे उसमें से आउटलेट दें ना तो वो और जोर से निकलता है, इट्स है एक देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट। सो और ऑफ कोर्स जो अंबर को थप्पड़ पड़ता है वो कंप्लीटली जस्टिफाइड था। जस्टिफाइड जी बिल्कुल, एक बाप बच्ची के इतने बड़े झूठ पे थप्पड़ मार सकता है, दिस वाज नॉट अ सेक्सिस्ट थिंग और अ फीमेल मेल थिंग, दिस वाज अ फादर गिविंग अ गिविंग हिज चाइल्ड अ स्लैप फॉर बीइंग सच अ लायर। कितनी जरूरी बात है, हम हमेशा कहते हैं कि थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन
इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, स्क्रिप्ट की नोयत पे डिपेंड करता है, कुछ कुछ थप्पड़ जस्टिफाइड भी होते हैं. कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी ऐसा नहीं है कि हमने ये डिसाइड करके थप्पड़ पड़ ही नहीं सकता ड्रामा. नहीं. एनीवे मूविंग ऑन टू एक सेकंड, दूसरी चीज जरूरी जो आपने डेवलपमेंट मिस कर दी है वो ये है कि इस्माइल ने बानो को देख लिया है. बानो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मोहिनी एंड द चिल्ड्रन. आई डोंट थिंक शी वाज एक्सपेक्टिंग मोहिनी. आई थिंक हर मदर इज गोइंग टू से नो. एंड कीपिंग इन माइंड मोश्क्स एंटायर एपिसोड, द फादर विल से इसकी शादी इससे करो, इस्माइल मियां से, ये बड़ा अच्छा इंसान है और ये मैं तो इसको एक दिन नहीं बर्दाश्त करूंगा. बिल्कुल ऐसे ही होगा. मुझे भी ये लग रहा है. एनीवे मूविंग ऑन टू मोहब्बत तुझे अलविदा. हां जी जबरदस्त एपिसोड. मुझे अच्छा। मुझे मजा, क्योंकि अब वो जुदाई निकल गया ना दिमाग. अच्छा। जुदाई को मैंने निकाल के दिमाग से मतलब साइड पे रख दिया. बुरी नहीं, जबरदस्त. मुझे सोनिया की अदाकारी अच्छा बहुत पसंद आई जी. मुझे जाहिद की अदाकारी बहुत पसंद आई. मुझे मंशा की भी अदाकारी बहुत पसंद आई. मुझे अच्छा लगा. अब आप I think for me, no. The strongest character in this entire episode who held it together was Sonia. Sonia was the character of Ulfat, simply because एक औरत ऐसी दिखाई है जो बेपनाह प्यार करती है अपने मियाँ से. ठीक है वो बहुत बहुत ज्यादा ambitious है, उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं. प्यार बहुत करती है. मगर वो प्यार उसका compromise नहीं है. बहुत प्यार करती है. जान वो दे सकती है अपने मियाँ के लिए. मतलब वो सदके वारी है अपने मियाँ के. वो उसका एक्सीडेंट होता है तो रो रो के उसका हशर हो जाता है. पैसे चिंते वो मिर्चें वार वार के. प्यार में उसकी कमी नहीं है. और नौकरी जाती है फिर भी उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि नौकरी गई भाई मेरे क्या होगा, मेरे सलमान डूब गए. वो जो पूरा टेरेस पे सीन होता है, एक्सट्रीमली सपोर्टिव वाइफ. एंड आई हैव टू से सोनियास परफॉर्मेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड इज कंसिस्टेंट. आपको पता है अब ऐसा ऐसा समझ आनी शुरू हो गई है कैरेक्टर की आज की, कि ये कैसे बिहेव करेगी. जो हमारे भाई है ना शाहान, वो उनका कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं है. Of course, this has nothing to do with Zahid Ahmed's performance. It's the way it's been written. It's the way it's been written because I really admire him as an actor. वो बहुत solid actor है, मगर उनका character solid नहीं है. For example, घर में उनका character बिल्कुल और है, मगर वो जब दफ्तर जाते हैं वो एक bumbling idiot बन जाते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? जैसे उनके बॉस ने उनको वापस बुलाया तो वो ऐसे हड़बड़ाते हुए दफ्तर में जाते हैं, सांस फूला हुआ, भाई आप दो मिनट सांस ले लें. He seems to be a sane person. उनके character में थोड़े थोड़े discrepancies हैं जो कि नहीं होनी चाहिए. सबसे जो मुझे problematic चीज लगी, why did he have to lie to his wife? वो तो खैर क्यों बोला झूठ? क्यों? अच्छा वो दोस्त को थप्पड़ मारना चाहिए उस दोस्त को जिसने कहा कि मैं तो अपनी girlfriend के साथ करता हूँ. अबे girlfriend तो फिर छोड़ देती है ना. नहीं उस इतना प्यार करने वाली बीवी जो सदके वारी है, मिर्चे उतार रही है कि तुम्हारा मोबाइल छिन गया, पैसे छिन गए, उसको अगर तुम आगे बता दो कि जान मैंने 75,000 रुपए निकाले थे तुम्हारा, मैं लेने जा रहा था और आग, उसने तो तुम्हें जफी डाल लेनी थी. हाँ. वो और उसको तब खुशी मिलती, उसको गलत बुंदे, नकली बुंदे क्यों क्यों दी? मुझे नहीं समझ आई. समझाएं प्लीज आपका बुंदों से ताल्लुक है और औरतों से. स्टोरी भी तो चलनी है ना आगे. स्टोरी चलनी आगे. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बीवी जो इतना वो बेपनाह मोहब्बत करता है बीवी से, वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू सी दैट हैप्पीनेस ऑन हर फेस. उसने नहीं सोचा कि यार इसको पता चल जाएगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी, इसकी जो छुटीर दोस्तें हैं वो कितना इसको जलील करेंगी. उसने उसको पता नहीं था कि नकली देगा तो वो और ज्यादा जलील करेंगी उसको. नहीं उसने नहीं सोचा ऐसा. उसने ये सोचा आपकी जो बात है ना कि वो इडियट क्यों बन जाता ऑफिस में, मे बी ही इज एन इडियट. ये जो उसने हरकत की है ना, फिर उसमें रग तो है. ये जो उसने हरकत की है ना, ये एक सेन इंटेलिजेंट बंदा नहीं करता, ये स्टूपिडिटी है. तो शायद वो इडियट ना भी कह लें, शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा मासूम टाइप इंसान है. अच्छा वैसे हैदर ने पहली दफा जब मुझे अलेक्जेंडर मैकक्वीन का बैग लाके दिया था ना, तो मैं काफी दिन सोचती रही थी कि ये असली है कि नहीं. पर हैदर ने कहा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं कहा नहीं. तो फिर हैदर ने मुझे रसीद दी कि देख लो असली है. तो आपको शक होता है कि असली लेकिन है इस केस में तो बीवी को नहीं हुआ ना, नहीं हुआ शक बिल्कुल. वो तो इतना प्यार करती है उससे, उसने देखते साथ ही उसने एतबार कर लिया यार कि वो सोच भी नहीं सकती थी वो इतना प्यार करती है उससे कि ये मुझे गलत चीज देगा, कोई नकली देगा झुमके. उसके वहमो गुमान में भी नहीं था बिल्कुल, वरना इतनी वो भी स्टूपिड नहीं है कि वो देख के अंदाजा ना कर सके. नहीं वो बड़ी स्मार्ट है और वो आई लाइक हर. अच्छा मंशा का ट्रैक मुझे अभी नहीं समझ आ रहा ज्यादा. अभी इट्स काइंड ऑफ ल्यूकवार्म. इट्स ल्यूकवार्म मगर आगे ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगी. और अब वो जो गुस्से में उसको निकाल भी देगी और वो सारा कुछ तो अच्छा जा रहा है. मंशा सीम्स टू बी फिटिंग इन अ रोल वेल. ये मैं कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड में वो जो बनी जो भी उनका कैरेक्टर है उसमें शी इज फिटिंग इन वेल. जी बिल्कुल. शेख साहब का भी है बीच में एक रोल और बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं. स्लो प्रोग्रेस है कि शी इज इंट्रिग्ड बाय दिस मैन
एंड काइंड ऑफ शी इज फाइंडिंग हिम फनी एंड ह्यूमरस, पर ऐसा नहीं है कि वो प्यार व्यार करने बैठ गई इतनी जल्दी. बट जो नौकरी उसने वापस दी है वो भी उसने अपनी वजह से नहीं दी, बाप के कहने की, बाप के कहने की वजह से दी है. हाँ तो ये नहीं है कि वो जो पहले एपिसोड में कि उसको पहले में नजर में प्यार हो गया नहीं, ऐसा कुछ. आई एम ग्लैड शी वाज लीस्ट बॉदर्ड. मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा यार कि एक इंसान को आपने नौकरी से निकाल दिया है, उस खानदान पे क्या बीत रही है, और आप मजाक में अपने बाप से कह रहे हैं कि हा 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 वो बड़ा अजीब सा था ये वो, मैंने तो नहीं निकाला, वो कुछ छोड़ के चला गया. लाइक इट शुड मैटर टू यू. मगर ऐसे ही होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं अमीर लोग, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं. बट अगेन वो आपका गहरा ताल्लुक है अमीर लोगों से, तो आपको पता होगा सारा. आपका शायद ज्यादा कह रहा था. नहीं नहीं, एनीवे अच्छा तो ये मोहब्बत तुझे अलविदा जो है इज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट. मुझे इसका ओएसटी भी बड़ा पसंद है, बड़ा वो फिल्मों वाला, उसमें डजन डजन वो वाला पसंद है. सो इट्स अ गुड ड्रामा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड. जी जी जी. सोनिया को अगेन मैं पप्पी सोनिया को भेजना चाहूंगा कि मुझे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, स्पेशली वो सीन व्हेन शी वो ब्रेक्स द फ्रेम, अपनी फोटो फ्रेम तोड़ती है खून लग जाता है, और वो आता है और खून, वो पहले तो चीखना चिल्लाना जो पूरा वो चीखी है कि क्यों झूठ बोला, क्यों देखो हो गई मैं खुश. फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यार, मुझे बहुत मजा आता है अच्छी परफॉर्मेंस देख के, मुझे जेन्युइनली खुशी होती है जब मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस देखता हूं. बिल्कुल, सो रियली एंजॉय दैट. जी बिल्कुल. जलन, जलन का भी मुझे यही है. एक मिनट. हाँ, अगर मोहब्बत तुझे अलविदा में दोस्त का कत्ल मुझे माफ हो, और जलन में अगर मुझे इस लड़की का कत्ल माफ होना, मिनाल के कैरेक्टर, ओहो ये कैरेक्टर मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त होता जा रहा है. मैं आई हैव टू से आई हैव बिकम अ फैन ऑफ मिनाल खान. नहीं जी, आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली दैट यू आर अ फैन ऑफ एवरी प्यारी गुड लुकिंग गर्ल. I mean, that could be true, and what's wrong with that? But she's a good actress. Wouldn't you agree with me? Is she not a good actress? She's very good. I hate her character. She's so good. So she's a good actress. हाँ बिल्कुल. She's performed fantastically. यार वो जो अपने उसके मंगेतर के साथ वो करती है अपने. मतलब मीनू doesn't stand a chance. वो इतनी प्यारी सी भोली भाली मीनू जो है. हाँ. उसपे हम आते हैं बाद में. मगर निशा के सामने she doesn't stand a chance. मतलब ये निशा तो नो होल्स बार्ड है, आपको तो ऐसी खवातीन पसंद आती हैं, आप अक्सर कहती हैं जो अपनी बहन की जड़ें काटे. बहन की मैं दोबारा रीआइट्रेट करना चाहूंगा, और इस एपिसोड से हमें अंदाजा हुआ है उसको कोई प्यार व्यार वो फीलिंग्स रोमांस नहीं डेवलप हो रहा अपने, और मेरा ख्याल है हो रहा है, मेरा ख्याल है हो रहा है और होगा भी, मेरा ख्याल है हो रहा है और होगा भी. उसके घर गई है, उसने कहा तुम किस ग्रैंड पैलेस में रह रही हो. नो यू आर रॉन्ग एंड आई विल टेल यू व्हाई. जब उनकी उंगली पकड़ाई रस्म हो रही होती है, जितनी छिछोरी रस्म है कोई यार, वो बड़ा फ्रीकी सीन था. ठीक है जी, जो उंगली पकड़ाई सीन होता है उस पर अगर उसको इंटरेस्ट सिर्फ अंगूठी में होता ना और अस्थि में ना होता, तो वो कहती मुझे दे दे मैं, और वो चली जाती लेके. वो कहती लेकिन नहीं, उसने मना भी तो किया पहले कि ना, नहीं उसने कहा पहनाए और इस उंगली में नहीं इस उंगली में पहनाए. फिर उसने अपनी मंगनी की अंगूठी उतारी और कहा इसमें पहनाए. So no, that was a complete flirtation. That वो complete line मारती है अपने भनोई पे. अगर उसको सिर्फ रिंग से ताल्लुक होता वो रिंग लेती और 9-11 हो जाती. I disagree with you. आपकी understanding of the woman is very weak. It is. जी. So अगर आप ये कह रही हैं तो मैं दूसरी बात है आप दूल्हे बन चुके हैं यार, रिंग कौन देता है यार उंगली पकड़ाई में. वो कहती है ना उनकी बहन के हमारे यहाँ रिंग दी जाती है. ज्वेलरी तो नहीं कहती, हमारे यहाँ ज्वेलरी दी जाती है. ज्वेलरी पेंडेंट दे दो, अल्लाह का पेंडेंट दे दो, कोई ब्रेसलेट दे दो, बिंदे दे दो, टॉप्स दे दो. रिंग इज सच अ पर्सनल थिंग. यू गिव अ रिंग टू समबडी यू लव, उसकी कॉनोटेशन बड़ी फर्क है रिंग की. रिंग अंगूठी दी है जी. अच्छा, और जब उसने कहा भी एसपी ने कि आप पहना दें, तो कहती नहीं नहीं तुम्हारी साली तुम पहनाओ. तो वो भी वेट आप ही पहना दें फिर. और हाँ, ऐसा ही होता है. दूल्हा खुद तो नहीं किसी अपने रिश्तेदार को नहीं. मुझे नहीं याद, हालांकि मेरी अम्मा ने काफी सारी चीजें मतलब दी. हाँ थी, तो मुझे मैंने नहीं पहनाया था किसी को कुछ. नहीं जी, वो बहुत ही वेट था सारा, वो बहुत वेट था. लेकिन आई हैव टू से दैट मीनू अरीबा एंड इमाद इरफानी केमिस्ट्री और उनके जो सीन थे इकट्ठे, दे वर वेरी वेरी गुड. एंड द केमिस्ट्री बिटवीन असफी एंड दिस वन निशा is also like आपको लग रहा है इलेक्ट्रिक सी हो रही है. हो रही है वो जिस तरह से वो ठुटकराता है और जिस तरह से ये उसको देखती है. मिनाल इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. आई हैव टू से मिनाल इज अ गुड एक्ट्रेस. मिनाल इज अ वेरी गुड. लेकिन मुझे मीनू पे बहुत तरस आ रहा है. बेचारी इतनी स्वीट है यार. मुझे भी यार, उसका वेडिंग ड्रेस वो पहन लेती है अगले दिन वो. अच्छा, वो जो फोटोज ने भेजी है वो बताएं. वो गलती से बोलती सी नहीं, वो डिस्ट्रैक्टेड होती है. वो भेज उसी को रही होती है बेचारे अमर को. लेकिन उसके दिमाग में असफी चल रहा होता है, इसलिए उसने असफी. नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज़ अमर और असफी के स्पेलिंग में काफी फर्क है. नहीं, बट वो गलती से हो जाता है. अच्छा, वो गलती से होता है. बट उसने रिएक्ट नहीं किया.
नहीं, उसने रिएक्ट नहीं किया. उसने रिएक्शन वो यही देता है कि मैंने दी हुई चीजें उसको मत शेयर किया बाद में, क्योंकि वो ब्रेसलेट भी उसने वो देख लेता है मीनू को पहने हुए, क्या था, निशा को. निशा को हाँ, तो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी. और जो वो एक मोहब्बत का सीन होता है ना कि इंतजार करने दो और खाना जरूरी नहीं है, जब वो अपनी लिपस्टिक लगा रही होती है. हाँ. तो आई फील रियली बैड फॉर द गर्ल बिकॉज़ हर लाइफ इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय हर बिच सिस्टर. अच्छा, अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, पहले ही दूसरी एपिसोड के बाद ही, अगर वो एज यू कॉलिंग हर, मैं इस तरह का बी वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, बट बी सिस्टर जो आप कह रही हैं, आप खातून हैं, आप कह सकती हैं, तो अश्वी के ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है. वो जो कह रहा है कि ये मैंने तुम्हें इस ब्रेसलेट के साथ जो फॉरएवर जिंदगी के इख्तिताम तक बांध दिए तुम्हें, तुमसे जुड़ गया हूं मैं इस रिश्ते में, तो अश्वी का भी तो फिर कुछ बनता है ना भाई, कि अगर वो साली तरह अभी तक तो अश्वी ने कोई गलत नहीं किया ना. अगर आप कहनी कि उसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय होती है, तो जिंदगी डिस्ट्रॉय उसकी खाली बहन नहीं फिर करेगी, नहीं, जब फिर अश्वी भी करेगा. जब हम डिस्ट्रॉय होते देखेंगे तब हम उस पर बात करेंगे. हाँ. अभी तो जो बहन का कैरेक्टर है और बिहेवियर है वो गलत है और ऑब्जेक्शनेबल है, और बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है. और अश्वी का नहीं है अभी ऑब्जेक्शनेबल, अभी तो वो अपनी बीवी पे निछावर है पूरा पूरा. अश्वी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वो जो फियांसे है उसका, मुझे नहीं पसंद. एमर जो है, आई फील रियली बैड फॉर हिम, बट आई आल्सो फील दैट यार, एक तुम्हें लड़की नजर आ रही है जो इतनी मनी माइंडेड है, और ऊपर से तुम कह रहे हो और जल्दी शादी करो, शादी करो, शादी करो, तो भाई तुम्हारा यही इलाज है फिर, तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारी गंज करा के तुम्हारे सर में छितर मारे कोई. भाई तुम्हें अगर नजर आ रहा है कि कोई मसला है, तो बजाय डिले कराने के, अच्छा ठीक है यार, लेट्स गिव इट सम टाइम, कि मसला है तो ठीक है, मैं 6 महीने और देखता हूँ कि क्या हो रही है. वो कह रहा है और जल्दी शादी करो ताकि मेरी जिंदगी और जल्दी हराम हो. जो जल्दी है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा पार्ट. अच्छा, जो दूसरा भी पार्ट है कि जो अहमर की जो बहन है और आगे से जो हाजरा यामीन का ट्रैक है पूरा, वो अभी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा. अच्छा हाँ, वो हाजरा यामीन, यू नो शी इज अगेन अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, तो उनको बड़ा छोटा सा अभी महदूद सा रोल दिया है. आगे चल के ऐसा शायद हो कि उनकी और अहमर की शादी हो जाए कभी जिंदगी में आगे चल के, लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है. हाँ, वो लग नहीं रहा, काफी ऑब्वियस है कि वो इंटरेस्टेड है, बट फॉर नाउ आई मीन वो मुझे ट्रैक उसकी को खास समझ नहीं आ रही. हाँ जी, तो बस हमें मेरे बस वो चुप करके देखती रहती है अहमर को कि अहमर किधर गया, आया नहीं आया, अच्छा आ गया. मेरे इतराज जो है वो सिस्टर राइवलरी पे है. ये है कि जी माँ बाप ने कैसे बच्चे पाले हैं जो आपस में जिनको कोई लॉयल्टी नहीं दूसरे के साथ, एक बच्ची को खास तौर पर, और वो बार बार उसकी, अच्छा ये बात है कि उसकी बहन उसको कहती है बार बार कि तुम कितनी बदनी है, तो मैं वो शादी का जोड़ा देख के भी सुख रही थी, बड़ी बदनी है. अच्छा, नहीं और ऐसा भी लगता है कि निशा को प्यार भी बहुत है मीनू से. हाय मीनू तुम मेरी जान, हाय मीनू ये वो, ऐसा भी है. हाँ प्यार है, प्यार भी है. वही मैं कह रहा हूँ ना, आउट एंड आउट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आप तो बस जो है ना, यू जस्ट वांट टू गिव हर अ रूम ऑफ एरर. दूसरा मेरा इतराज ये है कि यार कजन शादियों से प्लीज बाहर आ जाए. आई मीन ये आपका बड़ा पुराना इतराज है ना, हर ड्रामे में पेट पीव, हर ड्रामे में हमारी एक कज़न शादी होती है, तो फिर मतलब इतनी कज़न शादियाँ नहीं होनी चाहिए जी. बहरहाल आई हैव टू एडमिट कि जलन जो है वो देखा तो जाएगा ही, मतलब नहीं नहीं अच्छा अब इंटरव्यू डेवलप हो रहा है यार. हाँ, ये हाँ. मैं मिनाल का इंटरव्यू करना चाहूंगा जल्द, इंशाल्लाह 3-4 एपिसोड. आप उनको मैसेज भेज के देखें, देखें जवाब आता है कि नहीं. नहीं, मिनाल को तो देना चाहिए जवाब. क्यों मिनाल, मिनाल, मिनाल. आज मेरा ख्याल है हर वीकेंड रिव्यू के बाद हम एक लिस्ट बनाएं कि किन किन सेलिब्रिटीज को हमने मैसेज भेजा और उनके जवाब नहीं आए. मिनाल जी, मिनाल. अच्छा अच्छा, हसन चलें. चलें जी, मूविंग ऑन टू इश्किया. हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा हमना, यस सर, इश्किया ड्रामा देखने के लिए जी आपकी जिंदगी में और कोई काम नहीं होना चाहिए. अगर आप जिंदगी में और कुछ भी नहीं करते, आपकी जिंदगी का टोटल मकसद ये है कि आपने अपने बिस्तर के ऊपर लेट के जी ड्रामे देखने हैं जी, तो फिर आप इश्किया ड्रामा देखें, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लो ड्रामे को स्लो मो भी कर देते हैं, मतलब स्लो मोशन. तो आप तो वैसे ही टाइम्स 2 की स्पीड पे देखते हैं, आपका मसला. मैंने मैं इस बार नहीं देखा, मैंने कहा चलो यार मैं अनफेयर ना हो जाऊं, मैं इस बार पूरे स्पीड पे देखता हूँ. आप यकीन करें मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने 4 किस्तों में इश्किया का एपिसोड देखा है. 4 मुझे, मैं 4 ब्रेक्स लिए हैं मैंने, 40 मिनट का एपिसोड. 4 दफा आपने देखा है? नहीं नहीं, 4 ब्रेक्स लिए हैं. पहले मैं 10 मिनट का शुरू हुआ, वो उधर से वो जो उनके उनको सिद्दीकी साहब को लगी हुई थी चीजें अस्पताल में. मुझे तकलीफ हो, मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं आपको देख के. हसन ये शॉट, हसन छोड़ दे, उसके बाद उस पहले इतना सुनो उसको और सुपर स्लो स्लो मो सीरियसली.
बताया मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप मुझे पूरे एपिसोड में क्या हुआ है? सिद्दीकी साहब फौत हुए. पूरे एपिसोड में शुरू से लेके एंड तक खाली सिद्दीकी साहब फौत हुए और कुछ नहीं हुआ इस 40 मिनट के एपिसोड. हाँ जी बिल्कुल. एक सिद्दीकी साहब फौत हुए मैं दोबारा कह रहा हूँ 40 मिनट के एपिसोड में और कुछ भी नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. आप मुझे बताएं आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है कि अजीम जो है जिनको एक पता चल गया है कि उनकी बीवी का अफेयर था अपने भनोई के साथ, वो क्या समझ रहे हैं कि इनका स्टेटस को क्या है? डज ही थिंक दैट देयर स्टिल हैविंग एन अफेयर और डज ही थिंक दैट दे हैड एन अफेयर एंड देन शी लाइड टू एवरीबॉडी एंड सबकी ये आप मेरे से क्या पूछनी है? ये आप डायरेक्टर से पूछें, बदर महमूद साहब. मैं तो सोच रही हूं कि आप बड़े एक्सपर्ट हैं, गाने वाले भी गाते हैं. उन्होंने वो पता नहीं किस जोन में चले गए कि इतनी मेजर डेवलपमेंट करा के एक पूरा एपिसोड आपने धरन वो बैठी हुई आंटी जिनके मियां फौत होने वाले हैं उनका क्लोजअप, चौथा कैरेक्टर है ना, शी इज नॉट अ लीड कैरेक्टर यार, उनका क्लोजअप, उसके ऊपर पीछे म्यूजिक डुन 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 डुन, फिर उनका फिर उसका हमजा का क्लोजअप म्यूजिक, फिर हमना का क्लोजअप, फिर उस वे व्हाट वाज दिस यार, देयर वर नो डायलॉग्स, देयर वाज नो कन्वर्सेशन, इट वाज जस्ट क्लोजअप्स 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 स्लो मो शॉट्स, दैट वाज इट. अच्छा मेरे लिए तो द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड वाज सिद्दीकी साहब डेथ, और कुछ था ही नहीं एपिसोड में. लेकिन आप ये देखें कि आईसीयू के बाहर दो डॉक्टर्स टहलते हुए अपने ऐसे ऐसे कुछ घुमाते हुए जा रहे होते हैं कि वो पेशेंट जो है वो क्रैश कर रहा है, क्रैश कर रहा है. आए लेट्स गो लेट्स गो इन. हुआ क्या है? आए देखते हैं. पता नहीं क्यों आईसीयू में पड़े हुए हैं इतने दिनों में, वी हैव नो आइडिया. फिर वो बड़े कैजुअली जाते हैं, फिर वो दो ऐसे खड़े होते हैं ऐसे अपनी टैप कर रहे कि अच्छा लग रहा है कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे. अच्छा अच्छा डजंट लुक गुड. कोई क्रैश कार्ट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई हमने इतना ग्रेज एनाटॉमी देखा है हमें भी पता है कि लाइफ कैसे बचानी है. नथिंग टू सीसी नथिंग नथिंग नथिंग. कूल तरीके से वो जनाब सिद्दीकी साहब चले. हाँ जी. अच्छा मैं शबीर जहां साहब को क्रेडिट दूंगा, बड़ी लंबी देर उन्होंने आंखें खोल के रखी हैं. हाँ जी बिल्कुल. हालांकि उन्होंने ऑब्वियसली शॉट्स इधर उधर किए होंगे. अच्छा फिर वो जो डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और सिद्दीकी साहब फ्लैट लाइन कर जाते हैं, आंखें उनकी खुली हुई हैं, उनकी बच्ची जो है वो आईसीयू में आ जाती है जबकि इजाजत नहीं होती ऐसे, और सिद्दीकी साहब वहाँ पड़े हुए हैं. डॉक्टर साहब ये नहीं कह रहे कि उनकी आंखें बंद कर दें या कर दें या टाइम ऑफ डेथ बोले ना. ही इज नो मोर. नहीं यार डॉक्टर साहब रियली, हमें तो पता ही नहीं चलता. और फिर देन ही वॉक्स ऑफ, देन ही जस्ट वॉक्स ऑफ एंड ही लीव्स. एंड ही लीव्स दिस गर्ल. फौत हो गए तो क्या करे डॉक्टर यार? आप टाइम ऑफ डेथ लिखवाते हैं. ही लीव्स द लव्ड वन विद द फादर. नो, ऐसा कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं था कि लव्ड वन है या क्या. ही जस्ट सो डिसइंटरेस्टेड. हानिया का रिस्पांस मुझे अच्छा लगा. हानिया ने जिस तरीके से शी अगेन इतना लंबा स्लो मो क्लोजअप सारा कुछ, बट ठीक है जो रूमी का रिएक्शन था दैट वाज फेयर. एंड यू नो द वे शी गोज टू हर फादर, शी गिव्स हिम अ गुड बाय किस, फिर आंखें बंद कर देती, दैट वाज फेयर. हमना का मुझे रिएक्शन नहीं समझ में आया. हमना ने जो जिस तरह से मतलब है कि उसको जब खबर पता चली है वही उसका पोकर फेस एंड शी जस्ट सिट्स डाउन एंड दैट्स इट. आई मीन हमना का मुझे रिएक्शन समझ नहीं आया अपने वालिद की वफात. नहीं उसका रिएक्शन एक्चुअली हैज बीन ओवर वॉश्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अजीम एंड बाय दैट ट्रैक. बट योर फादर पास्ड. आई एग्री बट राइट नाउ शी इज ओवर वॉश्ड विद ग्रीफ. वो जो अपनी माँ से गले मिलके रोती है ना, एंड आई हैव टू से बाय द वे फॉर ऑल दैट वी सेड अबाउट हमनास कैरेक्टर, रमशा खान की परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट है. आपको पता है कि इस कैरेक्टर ने दैट बड़ा बिलीवेबल कैरेक्टर है. मैं बार बार ये कहूँगी कि जब वो जाके माँ से मिलती है गले मिलके, आपको पता है कि ये बच्ची इसलिए नहीं मिल रही सिर्फ कि बाप बीमार है, वो मिल रही है कि उसकी जिंदगी में जो टर्मोइल आया है विच इज हर ओन फॉल्ट एब्सोल्युटली, उससे जो हो गया है वो उसको कैसे ठीक करेगी, वो नहीं कर सकती. और वो सारा कुछ अब इट्स लाइक टम्बलिंग डाउन लाइक एन एवलांच ऑन हर एंड दैट्स व्हाई शी इज सो बिविल्डर्ड. सो या सो दैट वाज दैट. मुझे नहीं हमना का, इट वाज अ रियली बैड एपिसोड. इट वाज अ रियली बैड एपिसोड एंड इट्स अ रियली बैड ड्रामा. And again, I don't know why it's trending. आप लोग बताएं यार, आप लोग, हमने कोई अगर गलत बात बोली है तो प्लीज़ हमें करेक्ट करें कमेंट्स में. और आप लोग जो अक्सर बहुत डिफेंड करते हैं इश्किया को, आप लोग बताएं कि आपको क्या, अभी तो दो क्या तीन मजा आता है लोगों दो तीन एपिसोड से फिरोज और हानिया की भी कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं कि आप कहें कि वो भी बड़े उनके क्यूट मोमेंट्स हैं. मैं ये कह रहा हूं एक पूरा एपिसोड आपने सिद्दीकी साहब की वफात को डेडिकेट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं कराई सिवाय अजीम उसको कह रहा है तुमने जाना नहीं अस्पताल में, तुम्हें लेने आऊंगा खुद बस. और ये भी एक और भी जरूरी बात यही कि अब रुकना है कि चलना है, फैसला आपका है. हाँ. ये मेरे ख्याल है डबल मीनिंग थी इसकी. वो डबल मीनिंग खो जाता है. हाँ जी खो नहीं जाता कि दफन हो जाता है. एनीवे मूविंग ऑन टू प्यार के सदके, और मैं शुरू में ये कहना चाहूंगा
मैं यमुना के बारे में मैं क्या कहूँ उस लड़की के बारे में, मैं इतनी तारीफें उसकी कर चुका हूँ, मैं मेरे पास ऑनेस्टली अल्फाज खत्म हो गया। पहला सीन जहाँ से वो ड्रामा शुरू होता है, द कॉन्वर्सेशन शी हैज़ विद अ मदर, आप यमुना की एक्सप्रेशंस देखें, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं एक्टिंग। आप और मैं हम बात भी कर रहे थे यार, वो लड़की हर अपने ड्रामे में, हर कैरेक्टर में शी बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन। लास्ट वी सॉ हर इन इश्क ज़े नसीब, आप इश्क ज़े नसीब वाली शाकरा को देखें और आप माजबीन को देखें, आप क्या मान सकते हैं कि ये दो, एक इंसान ने ये दो कैरेक्टर्स प्ले किए? आपको ये भी नहीं मान सकते कि राज़े उल्फत वाली मुश्क यही है, आप ये भी नहीं मान सकते कि राज़े उल्फत वाली मुश्क यही है। हाँ। यार वो क्या वो खूबसूरत आपना सीन था जब वो बैठी अपनी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, लेकिन आई हैव टू से दैट एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू 100%, द हाईलाइट ऑफ एवरी एपिसोड इज यमुना परफॉर्मेंस, ऑल्सो बिलाल परफॉर्मेंस। जब जाके बहनों से पूछती है बोलो यस या नो, और वो फिर खसियानी बिल्ली की तरफ इधर उधर देख के जब कहते हैं यस, दोनों बारी पहले जब घर पे बहन उसके पास जाती है और फिर ऑफिस में जब बहन उसके पास, ऑफिस में आती है वो। बट अदर देन दीस टू कैरेक्टर्स एंड देयर परफॉर्मेंसेस एंड द फोन कॉल व्हेन माजबीन कॉल्स हिम, और जब वो फोन पे उससे बात करता है और जब वो सर्वर आ जाता है। लेकिन बात ये कि मैं बड़ी जस्टिस पसंद इंसान हूँ, मेरे से अब इतने जुल्म होते हुए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट्स गेटिंग अ लिटिल पेनफुल फॉर मी नाउ, इट्स गेटिंग अ लिटिल पेनफुल फॉर मी कि मंसूरा जो है वो उसकी अपनी इतनी एज को लेके इनसिक्योरिटी है कि उसने बिल्कुल माजबीन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है। इसमें प्लीज थोड़ा आप फर्दर, पिछली बार आपने किया था, पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा कि मंसूरा का सडन चेंज इन एटीट्यूड, प्लीज इस पे उनका चेंज ऑफ एटीट्यूड उस वक्त से हुआ जब से माजबीन ने उनको कहा कि डैड जो है वो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, है ना, बहुत छोटे हैं वो। तो उस वक्त से बिकॉज उनके ट्रैक में भी, ओएसटी में भी दिखाया है, वो अपने आप को शीशे में देख रही है, शी इज वेरी सेल्फ कॉन्शियस, शी इज सेल्फ कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट शी इज मैरिड टू अ मच यंगर मैन। उस वक्त तक शी वाज ओके विद माजबीन और वो करा रही थी, उस वक्त तक शी वाज विलिंग टू। ये आमना ने क्रैक किया क्योंकि उनका खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये आपने क्रैक किया उम्र वाली खवातीन से भी नहीं नहीं तो वो जो है she was ready to groom her, to train her, to do everything, जब तक वो ये नहीं उन पे टॉन्ट मारती, और वो माजबीन क्योंकि मुंह फट है वो बोल देती है जो उसके दिल में होता है। उस वक्त से आप देखते हैं कि मंसूरा का चेंज ऑफ हार्ट है। तो ये सब मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द ब्लू कि एकदम से मंसूरा का ऐसा क्यों रिएक्शन हो गया। आमना ने बड़े अच्छे तरीके के साथ ये चीज एक्सप्लेन की। दूसरा ये है कि जो सर्वर का ट्रैक है, अब सर्वर जो है वो हर चीज में घुसता चला जा रहा है, वो घुसता चला जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल हो रहा है। मतलब अब्दुल्ला अपनी बीबी से बात कर रहा है तो वो फ़ोन ले लेता है कि मेरे बेटे को तंग करना बंद करो, वो वशमा आई है तो वो उसको कह रहा है कि यू नो तुम साइड पे हो जाओ और मेरे लिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं यार तुम्हारे बच्चे नहीं है, वाई कॉन्ट योर वाइफ सी थ्रू यू, वशमा कैन सी थ्रू यू, लाला रुख कैन सी थ्रू यू, और जैसे माजबीन कैन सी थ्रू यू, मुंशी साहब एंड हिज वाइफ एवरीबडी सी थ्रू यू, फिर भी तुम कामयाब रह रहे हो अपने सब। Only two people can't see through him, Abdullah and Mansoora. Abdullah भी ऐसा उल्लू का पट्टा है कि उसको पता है कि यार बाप मुझे, I mean Abdullah is not a mentally challenged person. He is normal. He is just stupid. But he's always been under a lot of pressure ना बाप की तरफ से, बहुत pressure में रहा है वो हमेशा से। बस यही है कि माँ बाप फिर लेप ढूंढते हैं बच्चों को, जो वो pressure माँ ने जो नहीं, माँ ने क्योंकि माँ तो सगी है ना, माँ ने जो नहीं attention दी और बाप को करने दिया जो भी बाप कर रहा था, उसकी वजह से बच्चा तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। और इट्स जस्ट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी टू सी ऑल ऑफ दैट हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। वशमा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सिरहा, आई लव वशमा, द कैरेक्टर इज ग्रेट, द एक्टर इज आल्सो वेरी गुड। अच्छा वो सीन मुझे बताएं कि जब रिश्ता लेने आता है हसन और साथ अब्बा जी जो पैटी खा रहे होते हैं, सर वो मेल वर्जन ऑफ माजबीन दिखाए उन्होंने, हैं जी माजबीन टाइप ही है ना वो अंकल भी जो फादर है उसके, वो पैटी खा रहे होते हैं, ये कौन है, ये आंटी, ये सगी माँ है, अच्छा सगी माँ अच्छी है, अच्छी है, आप जा रही हैं क्यों, बैठे ना बैठे, अच्छा जी ओके ओके, वो माजबीन का उन्होंने, नहीं नहीं फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वीक है हसन, उनका कोई माजबीन से ताल्लुक नहीं है। ये इस सीन में दिखाया हुआ है कि वो ही इज ट्राइंग टू हिट ऑन द मदर कि ये बड़ी खूबसूरत हैं, दे आर री एनफोर्सिंग द फैक्ट दैट मंसूरा इज अ ब्यूटिफुल एजिंग वुमन, दिस इज द सीन। यार बताएं आप लोग किसकी बात में ज्यादा दम है, मेरी या आमना की, जो वो पैटी खा रहा बंदा यार, जिस तरीके से वो पैटी खा रहा वहां पे बैठा हुआ, उसको उन्होंने उस कंपैरिजन दिखाया और मंसूरा ये सोच रही है कि अब भी हम एक लड़की से जान छुड़ा रहे हैं उससे माजबीन से बेवकूफ से, अब हम दूसरी तरफ दोबारा उसी खड्डे में जो है दोबारा जा रहे हैं,
उस तो बाप को देख के, और फिर वो जो वो तो किस्यानी वो तरीके से हंसी हंस के वो वशमा भी देख रही होती है, वो भी ये कह रही होती है कि यार ये तुम किस कार्टून को ले आए हो अपने साथ। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ये ऑडियंस बताएगी, आप के बताएं आप किसके थीसिस से अग्री। मेरे ख्याल है आसान के अब्बू जो है वो थोड़े से ढरके हैं, आप पता है इंटेलेक्चुअल ज्यादा है ना, आप ज्यादा ताना ना मारें। जो हसन के वालिद साहब है वो थोड़े ढरकी दिखाए हुए हैं और वो लाइन मार रहे हैं सीधा सीधा, वो नहीं नहीं बोंगे बोंगे बिल्कुल नहीं है, नहीं नहीं माजवीन बोंगी है वो बिल्कुल। अच्छा चलें हमारे व्यूअर्स ये फैसला करें। हाँ जी, बट अगेन अच्छा आपका मर्दों से फिर गहरा ताल्लुक है, मैं फिर ये बात रीइंफोर्स करूंगी, आप ये बताएं कि जो सर्वर है उसका क्या ख्याल है कि अब्दुल्ला इसको माजबीन को तलाक दे देगा, तो मैंने ये सोचा तो मुंशी साहब जो है वो शादी इसके साथ कर देंगे। मैं क्योंकि मर्दों से गहरा ताल्लुक है और खुद भी कोइंसिडेंटली एक मर्द हूं, हां जी, तो मैंने सोचा इस बारे में और उसका जवाब मुझे अगले एपिसोड के प्रोमो से मिला कि उसने जेल करवा दिया। सर्वर जो है बड़ा एक श्रूट किस्म का आदमी है और उसने पूरी प्लानिंग की है, वो हवा में नहीं ये चीजें कर रहा। अच्छा जो मुझे अच्छी लगी हैट्स ऑफ टू उमर राणा फॉर द परफॉर्मेंस बिकॉज यू हेट द कैरेक्टर। Although I still have reservations when he called his character not a villain. No, no, of course it's a villain. Of course, it's as villainous as it can get. But I hate the character. I hate what he's doing to these innocent children and their lives and all of that. But I'm also just as disappointed in Mansoora, jo ke bilkul sane hai aur dekh rahi hai aur kuch nahi kar rahi. Theek ho gaya. Anyway, I really enjoyed the episode. अगला एपिसोड का प्रोमो देख के जब वो आती है लड़की माजबीन और वो मंगनी होती देखती है, उसमें बिलाल का जो एक आंसू गिरा है, I really looking forward to the next. एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं दोनों को बिलाल वो ही बात यमना, आप हॉट बाइट्स में बार बार एक्टिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे, परफॉर्मेंस वो होती है जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो एज इफ अ म्यूजिशियन की परफॉर्मेंस है ऑन स्टेज या सिंगर की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे एक्टिंग ऐसी है कि एक इंसान है, एक एक्टर है, वो ऐसे रोल में अपने आप को डाले कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है। बट आमना बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, यू हैव हैड कन्वर्सेशंस विद देम हु आर डायरेक्टर्स एक्टर्स, ठीक है, वो अपने वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टर की क्यू के ऊपर कि आप हमें बताओ कि हमने इस इमोशन को कितना शो करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा रोना है, कम रोना है, एक आंसू निकालना है, चार आंसू निकालने हैं, बिलक बिलक के रोना है या खाली हल्का सा रोना है, खुशी दिखानी है, हंसना है, हर स्टोरी की हर ड्रामे की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको डायरेक्टर ही बताता है, आपको डायरेक्टर बताता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना एक्टर का काम है, एक्टर का काम। और जिस तरह पहली एपिसोड में मुझे माजबीन का कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा था, मुझे नहीं समझ आया था कि ये क्यों डांगरीज पहन के पागलों की तरह एक बच्ची एक तो वो डायरेक्टर की वजह से था जी, और ये क्यों ऐसे बोल रही है, इज शी राइट नॉट नॉर्मल, इज शी स्लाइटली अनहिंज्ड या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है या बोंगी है। आफ्टर अ व्हाइल यू हर द परफॉर्मेंस इज सो कंसिस्टेंटली गुड, क्या आपको समझ आ गई है कैरेक्टर पूरा माजबीन पूरा मिक्सचर होता है मेरे हिसाब से राइटिंग डायरेक्शन एंड द एक्टिंग जी, वो मिल मिला के एक परफॉर्मेंस बनती है, मेरा ये ओपिनियन है, ऑफ कोर्स यू कैन डिसएग्री विद इट। एनीवे एक और चीज आई हैव टू से इन यमुना फेवर, एंड आई थिंक दिस इज मोर यमुना एंड द एक्टर हरसेल्फ मोर देन द डायरेक्शन एंड द टीम, हर फेस इज ऑलवेज सो नेचुरल, और वो इतना जरूरी है कि ये एक लड़की है फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, ना उसकी कोई फेक आईलैशेस हैं, ना शी इज ओवर मेड अप, ना कोई स्ट्रीक्स है बालों में, वो जैसा उसका कैरेक्टर होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही है, छोटे छोटे नाखून है, कोई नेल पॉलिश फेक नेल्स नहीं है, यू नो इट्स वेरी रियल, आई रियली अप्रिशिएट ये यमुना को, डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी उनसे यही बात की थी कि हर उनका जो कैरेक्टर है ना उसमें अपेयरेंस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, शी पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क in making sure her character looks different जी, compared to the other जी. So well done Yumna, again fantastic. कुछ लोगों को ये problem है यार कि ये कहानी थोड़ी सी अब होती जा रही है sad होती जा रही है, जैसे आपने भी कहा, मैं honestly performances को इतना enjoy करूँ, मतलब इस mode की वजह से, इस twist की वजह से जो Yumna की performance देखने को मिल रही है, जो Bilal की performance देखने को मिल रही है, तो मुझे उस बात से कोई इतना कोई इख्तलाफ नहीं है कि एक ट्विस्ट ये नहीं मुझे है, लेकिन मुझे ख्याल है कि अब थोड़ा थोड़ा सर्वर बट एक पॉइंट पे मैं वही कह रहा था ना आगे भी कि मुझे आई रियली एंजॉय वाचिंग अ गुड सॉलिड परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, सो उस वजह से मेरा एक्सपीरियंस मुझे वो ट्विस्ट से कोई इतना ज्यादा मसला नहीं हो रहा, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड जी। आपसे इजाजत लेंगे, आमना ने कल लाइव में डिस्क्लोज कर दिया था हमारे इंस्टा लाइव में कि उन्होंने मोहब का इंटरव्यू करना था कल थर्सडे को, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकी, उम्मीद है कि आज फ्राइडे को इंटरव्यू हो जाएगा, अगर हो गया तो आमना के इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आमना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिवील करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं अपनी वीडियोस के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मजे की आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो फॉलो करें वहाँ पर।
अगर मोहिब का इंटरव्यू हो गया इंशाल्लाह आज, तो आपको वो देखने को मिलेगा संडे को 8 बजे। अदरवाइज हम आपके साथ अब मुलाकात करेंगे मंडे को विद वीकेंड इन रिव्यू। एक नया ड्रामा आया है एहसन और रुशना का, जो ड्रामा आया है बंदे एक डोर से, थर्सडे को कल उसकी एपिसोड आई है, वो हम इंशाल्लाह मंडे को फिर रिव्यू करेंगे। बिकॉज आज आपको जैसे पता है थर्सडे को हम 8 ड्रामे थे डिस्कस करने के लिए, तो मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि वो वाला ड्रामा हम अलॉन्ग विद दुश्मन जहाँ, सबात, दिलरुबा एंड ज़िबाइश, जिसको आमना ने नया नाम दिया खिचड़ी, वो हम डिस्कस करेंगे मंडे को वीकेंड रिव्यू में। खिचड़ा खिचड़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशंस आएंगे अगर आपने बेल आइकन पे हिट किया होगा और चैनल सब्सक्राइब किया होगा। वी विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे विद वीकेंड रिव्यू, वीकेंड इन रिव्यू।